अतुल प्रसाद जी, आप कर क्या रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा। जो काम करना है अभी, आप शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काम क्या करना था उससे पहले आप डेमो भरवा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म। आप कभी बीपीएससी का डेमो भरवाए हैं? आप जो काम कर रहे हैं ना, अनावश्यक काम कर रहे हैं। आप अनावश्यक काम कर रहे हैं क्योंकि यह डेमो आप समझते क्या है? शिक्षक अभ्यर्थियों को फॉर्म नहीं भरने आता है, मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। आप मानसिक प्रताड़ना बंद कीजिए, आप काम कीजिए। आपको सिलेबस जारी करना था तो सिलेबस जारी नहीं किया गया, आप डेमो फॉर्म भरवा रहे हैं। समझे में नहीं आ रहा है कि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं कि क्या है? सबको फॉर्म भरने आता है और आपको जो काम करना है वो काम नहीं कर रहे हैं। आप सिलेबस जारी किए, एक सोशल साइंस के बता देते हैं आपको, मैं याद दिला देना चाहता हूं, आपको जानकारी नहीं होगा, 2019 में एसटीईटी एग्जाम जब हुआ था तो सोशल साइंस में चार सब्जेक्ट आते हैं, चार क्वेश्चन सेटर में ग्रुप में नहीं बांटा था, आज चारों पेपर का एग्जाम ले लिया था। तो केस नंबर 5650 CWJC /2020 5650 में यह ऑर्डर आया। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। ऑर्डर आया कि आप ग्रुप में बांट के एग्जाम लीजिएगा, ना कि चारों विषय से लीजिएगा। आप केस का अध्ययन कर लीजिएगा 5650 में, सोशल साइंस में किसी दो ही विषय में आपको जवाब देना था, हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक होना चाहिए और दो सब्जेक्ट ऑप्शन में होना चाहिए। आपने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है तो आप भूल में हैं, फिर से कैंसिल हो जाएगा इस एग्जाम को और फिर कोर्ट कचहरी तो लगे रहा है। आप अभी तक लड़के को मानसिक पड़ताना दे रहे हैं कि चारों सब्जेक्ट पढ़ो, क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप डेमो भरवा रहे हैं। मैं पुनः बता देता हूं, केस नंबर 5650/2020 अध्ययन कर लीजिए, उसमें यही हुआ था कि सिलेबस स्पष्ट नहीं किया गया था कि दो सब्जेक्ट से पूछा जाएगा कि चार सब्जेक्ट से। अब पुनः आप गलती कर रहे हैं, लड़का लोग को परेशानी मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं ना, डेमो भरवा रहे हैं, जो काम करना है आपको उस पर तक आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि काम क्या करना है। लड़के को सिलेबस जारी करना है तो नहीं, डेमो भरवाएंगे। अरे भरवाइए, लेकिन याद रख लीजिएगा आपका ना नाम इतना हंसाया होगा कि बिहार में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहिएगा। आप चेयरपर्सन है आयोग के, तो आयोग के चेयरपर्सन वाला काम कीजिए। मानसिक प्रताड़ना जो दे रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को, सारा बदला दिया जाएगा। अभी भी सुधार करने का मौका है, सुधार कीजिए।